आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है पत्रकारों पर अत्याचार। क्यों पत्रकारों की बात दबाई जाती है? क्या इसी तरह पत्रकारों पर जुल्म होते रहेंगे? एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आया है। थाना क्षेत्र जुनावई के गांव महाबली महीउद्दीनपुर में एक पत्रकार के साथ किया गया जानलेवा हमला। देखते हैं इस रिपोर्ट को। धन्यवाद। एक सोमवीर नाम का व्यक्ति है, उससे कुछ पैसे वैसे लेने थे मुझे, मेरा पैसे आ रहे थे उससे, उसके घर गया था मैं। घटना 8:30 बजे की है और उसके घर जाने के बाद बतलाया उससे, उसके घर से निकल रहा था मैं दरवाजे में से, तभी मेरे पीछे से एकदम आके पंकज नाम का जो व्यक्ति है उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ने के बाद मेरे साथ हाथापाई की, हाथापाई करने के बाद मैं छूट के भागा। मेरे साथ घर तक मेरे साथ भागते हुए आया मैं भी बच्चों के और कुछ लोग और थे उसके साथ, मैं भागते हुए नहीं जान पहचान नहीं पाया उनके लिए। उसके बाद में वो लोगों ने भगाया घर से समझा बुझा के, उसके बाद दबक दबक के घर से अपने घर से मेरे घर में घूम घूम के पिछवाड़े से आ गया और मैं घर में अकेला था, सब लोग बाहर थे। मेरे ऊपर चाकू से प्रहार कर दिया जैसे कि ये मेरी चोट आई हुई है और ज़्यादा गहरा घाव है। संभल मुझे रेफर किया गया था और लौट के ये डॉक्टर आ गई है और देखते हैं।